चलिए आगे बढ़ेंगे तो लोकसभा अध्यक्ष पर ओम बिरला की ताजपोशी के बाद राज्य के बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में जश्न मनाया गया है। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर मुंह मीठा कराया तो वहीं आतिशबाजी भी की गई। बिरला के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। उल्लेखनीय है कि ओम बिरला का राजस्थान के बीजेपी के कार्यकर्ताओं से सीधे जुड़ाव रहा है। रिपोर्ट देखिएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और फिर युवा मोर्चा से अपना सियासी जीवन शुरू करने वाले ओम बिरला की पहचान यही रही है कि उन्होंने शीर्ष पर जाने के बाद भी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को सदैव मान सम्मान दिया। सांसद बनने से पहले बीजेपी संगठन में चाहे कोटा हो या जयपुर, उन्होंने काफी काम किया। विधायक बनने के बाद राज्य की बीजेपी सरकार में विभिन्न पदों पर रहे, लेकिन कभी भी अपने समर्थक और बीजेपी कार्यकर्ता को नहीं भूले। यही कारण है कि ओम बिरला के फिर से लोकसभा के स्पीकर जैसे गरिमामय पद पर पहुंचने के बाद बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर आतिशबाजी कर मिठाई बांटी गई और लड्डू खिलाकर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने ओम बिरला के पक्ष में जमकर नारेबाजी की। आज लोकसभा में स्पीकर के पद पर, अध्यक्ष के पद पर ओम बिरला जी का पुनः चयन किया है। आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से 17वीं लोकसभा का और बहुत ही तरीके से, बहुत ही श्रेष्ठ तरीके से संचालन हुआ, ठीक उसी प्रकार 18वीं लोकसभा में भी वैसा ही सदन शांतिपूर्वक और बढ़िया तरीके से ओम बिरला जी चलाएंगे। और जो लक्ष्य निर्धारित किया है, विकसित भारत हो, भारत सर्वश्रेष्ठ दुनिया में हो, इसी प्रकार का काम सदन करेगा। निश्चित रूप से आज राजस्थान के लिए, राजस्थान वासियों के लिए बहुत ही खुशी का विषय है, गौरव का विषय है कि हमारे दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष में रूप में ओम बिरला जी को हम देख रहे हैं। ओम बिरला जी एक लोकप्रिय नेता भी हैं और नेता के साथ साथ जिस प्रकार से उन्होंने पिछले 5 वर्षों में लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में लोकसभा का संचालन किया, वो एक बहुत ही काबिले तारीफ रहा और उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। उन्होंने जिस प्रकार से, चाहे लोकसभा की गरिमा हो, चाहे लोकसभा का अनुशासन हो, उसको बनाए रखा। बीजेपी प्रदेश संगठन में ओम बिरला ने कई युवा नेताओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। कई प्रमुख नेताओं के करियर में बिरला का अहम योगदान रहा है। देखिए, मैं ऐसा सोचता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ऐसा दायित्व वापस से सौंपा है, पिछले 5 साल का जो उनका कार्यकाल रहा है, बहुत सहज और सरल कार्यकाल रहा है। और उसमें सबसे बड़ी जो उपलब्धि रही है वो रही है नई लोकसभा का निर्माण, और वापस से पुनः उनका अध्यक्ष बनना देश के लिए बहुत गौरव की बात है और राजस्थान के लिए तो विशेष रूप से गौरव की बात है ही। राजस्थान के कार्यकर्ता आज बहुत ही उत्साहित है और बहुत ही प्रसन्न है, और इसलिए राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि राजस्थान के ओम बिरला जी को उन्होंने लोकसभा, 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष फिर से बनाया है। बहरहाल बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता ओम बिरला का लोहा मान रहे हैं। बिरला के चुनावी माइक्रो मैनेजमेंट के तो पहले ही नेता मुरीद रहे हैं और अब लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष के पद पर आसीन होकर ओम बिरला ने राजनेता की क्षमता को साबित कर दिया। योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।